भविष्यवाणी के अनुसार उस समय जो बच्चा मेरी कोख में था, तिमनासा कान उसके हाथों होना था। उस समय अनन्या 8 साल की थी। इसका मतलब मेरा कोई छोटा भाई या बहन भी है? तुम्हारा एक भाई है जिसे तुम्हारे पिता ने धरती पर कहीं छुपा दिया। कहाँ है वो? कैसा है? कैसे मिल सकती हूँ मैं उससे? तिमनासा ने मेरे ऊपर कोई जादू कर रखा है जिसके कारण जाकर भी याद नहीं कर पाती हूँ कि तुम्हारा। माँ, माँ आप ठीक हो ना? शौर्य? तुम शौर्य को जानती हो? मैं इतने सालों तक तिमनासा के लिए काम कर रही थी, सो ऑफ कोर्स मैं नहीं जानती हूँ, बट मिली पहली बार हूँ। तिमनासा के जादू का तोड़ मैं बना कर ले आया हूं, इससे आपकी स्मरण शक्ति वापस आ जाएगी। देवकी, मेरे पति महाराजा आदित्य प्रताप ने हमारे पुत्र को धरती पर इसलिए छुपाया था क्योंकि वह हमारे वंशज का मंदिर है। मंदिर? हाँ, और उस मंदिर में एक धनुष बाण है जिस तरह दिशा सूचक यंत्र उत्तर की ओर इंगित करता है, उसी तरह यह धनुष मेरे बेटे तक ले जाएगा। वंश, मंदिर, धनुष बाण? हाँ, ये वही मंदिर है जहाँ हम हर साल तुम्हारा जन्मदिवस मनाया करते थे, हमारे वंशजों का मंदिर। लेकिन अब वो मंदिर किस स्थिति में होगा? आप चिंता मत कीजिए, वो मंदिर जहाँ कहीं भी होगा, जिस भी स्थिति में होगा, मैं उसे ढूंढ लूंगा और आपके बेटे को भी। अपनी ही मृत्यु के बीज को तुमने पाल पोस कर आज वृक्ष बना दिया है तिमनासा। जिस लड़की को तुम अपना अस्त्र बना रही थी, आज वही लड़की तुम्हारी पीठ में छुरा घोंप रही है। याद है ना, तुमने भी यही मेरे साथ किया था। मेरी पीठ में छुरा घोंपने की शक्ति किसी में नहीं है सर्वकाल। शब्दों के पीछे तुम जो पछतावा छुपाने की कोशिश कर रही हो, वो बहुत जल्द मृत्यु के भय में परिवर्तित होने वाला है। अब कहां भाग कर जाओगी भैरानी? मृत्यु और नियति से कोई नहीं बच सकता। तिमनासा अपनी नियति खुद लिखती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि का जीता जागता नमूना हो तुम तिमनासा। वो तो तुम्हें अंतिम और निर्णायक युद्ध के बाद ही पता चलेगा सर्वकाल, जब मैं बालवीर को मारकर इस पूरी दुनिया पर बुराई का राज फैलाऊंगी और तुम ऐसे ही देखते रह जाओगे। परिणाम तो कई वर्षों पहले लिखा जा चुका है, आज तो केवल उस परिणाम का प्रारंभ हो रहा है। प्रारंभ। अब परिणाम की चिंता बालवीर और नकाबपोश को करनी होगी। चिड़िया जैसी इतनी सी अकल वाले टेंटों में
इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया कि वो क्लास टेस्ट में मुझसे ज्यादा मार्क्स लाने की सोच रहा है? कुछ तो लोचा है। एक मिनट। लोचा? ये लोचा वर्ड क्या है? इंजर डालियन? अरे एकदम देसी वर्ड है। लोचा मतलब गड़बड़ी। गड़बड़ी? पर सखाराम अंकल तो स्कूल छोड़ चुके हैं। अब चिंटू के कौन करेगा? विवान। नो मतलब तुम ये बैट हार जाओगे। इसका मतलब तुम्हें 7 दिन तक उस चिंटू के जूते पॉलिश करने होंगे। हाउ स्ट्रेसफुल। रिलैक्स रिंकू, अपने ओवर एक्टिव दिमाग की थोड़ी स्पीड कम करो और क्वेश्चंस पूछना ही नहीं बल्कि आंसर्स ढूंढना भी सीखो। अरे यार, मुझे कैसे मालूम चलेगा कि तुम्हारा काला चश्मा कहाँ गया है? जासूस तुम हो शुक्ला। हेलो अंकल। हाय। आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। लगता है आपने वेट लूज किया है। हाँ अंकल। सही में? थैंक यू विवान बेटा। एक्चुअली मैं एक हफ्ते से ना स्टेडियम के फुल राउंड लगा रहा हूँ, सो इसकी वजह से मैंने अपना वेट गेन मतलब 5 किलो वेट लूज कर लिया है। नॉट पॉसिबल। हाँ, स्टेडियम का एक राउंड लगाने पे सिर्फ 100 कैलोरीज बर्न होती है, तो 5 kg लूज करने के लिए 350 डेज लगेंगे। That means you are lying. एक मिनट। तुम वही न्यू स्टूडेंट रिंकू हो ना, जिसने मेरे भोले भाले नाजुक से चिंटू को पंजा लड़ाने में हरा दिया था? उसको तो हार नहीं था, क्योंकि उसको यही नहीं पता कि पंजा लड़ाने में फोर्स से ज्यादा एंगल ऑफ फोर्स की इम्पोर्टेंस होती है। अंकल, आप रिंकू की बातों पर इतना गुस्सा मत होइए। हम तो बस ये पूछना चाहते थे कि चिंटू की आंखों का इन्फेक्शन कैसा है? डॉक्टर को दिखाया कि नहीं? अरे इन्फेक्शन हो मेरे बेटे के दुश्मनों को, मेरे बेटे के तो डोमिक शेरवुड की जैसी सुंदर सी आंखें हैं, क्योंकि मैं उसकी आंखों में नीलगिरी का तेल डालता हूँ रोज। 100 सालों तक इसको चश्मा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पता नहीं है कौन अफवाह फैला देता है। ओ, इसका मतलब वो काला चश्मा ही चिंटू के कॉन्फिडेंस का रीजन है। लेट्स गो पलटन, चिंटू का प्लान पलटते हैं। आओ। सॉरी, चल। ग्रेट न्यूज विवान, शौर्य सर के मैजिक से लेडी देवकी जी की मेमोरी वापस आ गई है और हमें उस छुपी शक्ति तक पहुंचने का क्ल्यू मिल गया है। सो मैं और अनन्या उस लोकेशन पर जा रहे हैं। आई विल कॉन्टेक्ट यू इफ नीडेड। जाओ मेरे गुप्तचर पंछी, उस नकाब पोश और अनन्या पर नजर रखे रहो और ये पता लगाओ कि आखिर वो धरती पर ढूंढ किसे रहे हैं। ये अकेला पंछी कितना उड़ेगा? अरे धरती इतनी बड़ी, इसके पंख इतने छोटे छोटे, कहीं आपकी थकी हुई योजना की तरह ये भी आकाश से टपक ना जाए। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये अकेला पक्षी हजारों के बराबर है। तौबा तौबा जी। अच्छा, तो फिर मेरी बुद्धि भी एक ही है, मैं आपकी टेढ़ी मेढ़ी बातों का मतलब कैसे समझूं? समझाती हूँ। तभी
आप सब लोगों को इस बेट के बारे में पता ही चल गया होगा कि इस बेट में मैं विवान को बॉल की तरह बाउंड्री से बाहर उड़ाने वाला हूँ। लास्ट टेस्ट में हारने के लिए, एक बड़ी सी पार्टी देने के लिए और जूते पॉलिश करने के लिए और एक वीक तक माथे पर लूजर लिख कर घूमने के लिए बी रेडी है ना? बिल्कुल, बट नॉट मी, यू। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है विवान कि मैं कितने गहरे पानी में हूँ। पानी में तुम्हारे कपड़े और जूते तो सूखे हुए हैं। मुहावरा रिंकू। ओह सॉरी। अरे 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 अरे, अरे चोट तो नहीं लगी? अरे नहीं नहीं डिंगू, शेर को कभी चोट नहीं लगती। अरे लेकिन फिर भी भाई, इधर की फोन उधर चली गई तो? अरे कुछ नहीं हुआ यार, मेरे को उठने तो दे तू। अरे लेकिन फिर भी छोटा मोटा स्प्रेन भी बड़े फ्रैक्चर में बन सकता है। प्रश्न का हल ना बताना, हल के बदले गीत बजाना। अरे यार मेरे को उठने दे यार। चिंटू तुम्हारी आंखें तो एकदम नॉर्मल है, इन्फेक्शन कहाँ गया? देख अभी मेरी आंख में इन्फेक्शन वो देख हो रहा है। अरे मैं चश्मा कहाँ गया? चिंटू ये लो तुम्हारा इनविजिबल इन्फेक्शन वाला चश्मा। हाँ थैंक यू विवान। तुमने चश्मा नहीं अपनी हार मेरे हाथों रख दी विवान। क्लास टेस्ट के बाद मैं जाकर दोस्त को ज्वाइन कर लूंगा। मंदिर यहीं कहीं आसपास होगा। पर यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। शौर्य का अंदेशा कभी गलत नहीं हो सकता, उन्होंने यही लोकेशन दिया था, मतलब मंदिर भी यहीं कहीं आसपास होगा, लेकिन वेयर? वो बरगद का पेड़। हाँ मुझे याद आ रहा है, बचपन में अपने पापा के साथ अपने बर्थडे में यहीं खेलने आया करती थी। That's great कि यहाँ इस जगह से तुम्हारा कोई कनेक्शन है, इसका मतलब वो मंदिर भी यहीं कहीं होगा। कम अगर तुम्हारी मेमोरी बिल्कुल करेक्ट है तो ये वो बरगद का पेड़ है, लेकिन फिर मंदिर कहाँ है? ये लो, लोग मंदिर की सीढ़ियों से चप्पल चुराते हैं, लेकिन यहाँ पर तो किसी ने मंदिर ही चुरा लिया है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा। Maybe तुम्हारे पापा ने यहाँ कोई क्लू छोड़ा हो और उस मंदिर को कहीं छुपा दिया हो, ताकि अगर तिमनासा या किसी भी बुरी शक्ति को इसके बारे में पता भी चले तो मंदिर तक ना पहुंच सके। You mean like a riddle? अब तक मैं यहां पर पहुंचा हूं तो रिडल सॉल्व करते करते ही पहुंचा हूं, सो आई एम श्योर कि यहां पे भी कोई पहेली होगी जिसे हमें सॉल्व करना होगा। Don't you think कि हमें विवान की हेल्प ले लेनी चाहिए? You may be right, लेकिन विवान अभी टेस्ट दे रहा है, हमें उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए एज मच एज पॉसिबल। ओके स्टूडेंट्स, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अगर x प्लस 2 की वैल्यू 10 होगी तो फिर x की वैल्यू क्या होगी? चिंटू इतने जोर से क्यों क्वेश्चन पढ़ रहे हो? वो मैडम एक्चुअली आंसर बहुत गहरा है ना, तो इसलिए मैं क्वेश्चन जोर से बोल रहा हूँ ताकि माइंड पे प्रेशर पड़े और आंसर फटाफट बाहर आ जाए।
x प्लस टू की वैल्यू 10 होगी तो फिर x की वैल्यू क्या होगी? टाटा टमरू तीन टमाटर टिक-टिक टोला टोसा है? ये आंसर के बदले टंग फिस्टर क्यों खेल रहा है? चिंटू, what is this? नहीं नहीं मैम, ये तो कोई इंस्पायरिंग सॉन्ग लग रहा है। तुम क्लास में स्मार्टफोन लाए हो? नहीं 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 मैम। X is equal to 8? चिंटू, तुम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाकर चीटिंग कर रहे हो क्लास में? नहीं मैम, मैं तो कुछ भी नहीं। चुप! नहीं मैम, सो सॉरी मैम, प्लीज मैम। सॉरी से कुछ नहीं होगा। तो मैम, इससे कुछ होगा? चिंटू, अब तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट प्रिंसिपल सर को भी करूंगी और तुम्हारे पेरेंट्स को भी पता चल जाएगा। पर नहीं 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 मैम, मैम प्लीज मम्मी पापा को मत बताइए, अगर उनको पता चल गया तो वो लोग मेरा 7 दिन तक डिनर बंद कर देंगे मैम। मेरा बस चले ना, मैं तुम्हें 10 दिन के लिए सस्पेंड कर दूं। नहीं 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 मैम, आपको जो पनिशमेंट देनी है आप दे दीजिए, गधा मुर्गा उल्लू मैं सब बन जाऊंगा मैम। मैम प्लीज। मैम मैं कुछ कहूँ? बोलो। अगर आप चिंटू को पनिशमेंट देना ही चाहते हैं तो आप चिंटू को क्लास टेस्ट लिखने को कहिए, वो भी बिना इस काले चश्मे के। बट ये कैसा पनिशमेंट हुआ? हाँ मैम वही तो। मैम यही तो पनिशमेंट है, आप डेली चिंटू का टेस्ट लीजिएगा जब तक वो पास ना हो जाए, और पास होने के लिए तो चिंटू को पढ़ाई करनी पड़ेगी। सो दिस पनिशमेंट विल बेनिफिट चिंटू। नहीं 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 मैम। आई लाइक योर आइडिया विवान, इसमें इसकी पढ़ाई भी हो जाएगी और पनिशमेंट भी। एग्जाम दो। मैडम वो मेरा चश्मा। ये मेरे पास रहेगा, जाके एग्जाम दो। चीटिंग करके एग्जाम में पास होने का कोई फायदा नहीं होता। आई होप दोस्त भी जैसे एग्जाम को फेस करने गया है उसमें दोस्त और अनन्या दीदी सक्सेसफुल हो जाए। ये क्या है? अनन्या, क्या तुम इस निशान को जानती हो? ये तो हमारे परिवार का कुल चिन्ह है। कुल चिन्ह? ओ, तो क्या तुम्हें याद है कि ऐसा चिन्ह तुम्हारे परिवार में किसी रीति रिवाज में किसी रिचुअल में यूज होता था? रिमेम्बर? आई डोंट नो। फिर भी ट्राई करो नन्या। मैं तब सिर्फ 10 साल की थी, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। तुम्हारी फैमिली में या फिर तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें कुछ कहा हो? एनीथिंग? ये निशान यहां पर तुम्हारे लिए ही लगाया गया था। अब थोड़ा और याद करो, इस शंख का क्या रिलेशन हो सकता है इस सबसे?
तुम्हारी फैमिली में कोई रिचुअल के दौरान शंख का इस्तेमाल? मेरी फैमिली में हर स्पेशल ओकेजन से पहले शंखनाद करने की परंपरा थी। ओके, सो गो ऑन। अब मैं उस छुपी शक्ति के और भी करीब पहुंच गया। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।